छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान आज जारी है। आज 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इनमें से जो अधिकतर सीटें हैं वो नक्सल प्रभावित हैं। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें और दुर्ग संभाग की 8 सीटें इन 20 सीटों में शामिल हैं। पहले चरण में तत्कालीन रमन कैबिनेट के रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उन समेत 5 मंत्रियों और वर्तमान भूपेश बघेल कैबिनेट के 3 मंत्रियों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज की साख दांव पर लगी है। आज के मतदान के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में ये मतदान चल रहा है। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय से आज के मतदान पर बात। हम इस वक्त दंतेवाड़ा में हैं। ये वो ज़िला है जहां पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इकलौते विधायक थे पूरे बस्तर क्षेत्र से भीमा मंडावी, उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। और यही वो ज़िला है जहां दूरदर्शन के क्रू पर भी हमला हुआ था। हमारे साथ इस वक्त गौरव राय हैं जो दंतेवाड़ा के युवा IPS अधिकारी हैं, SP हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गौरव जी। अभी तक दंतेवाड़ा में क्या स्थिति है, सामान्य है, कहीं से किसी ऐसे हादसे की या नक्सली हमले की कोई खबर तो नहीं आई? जी, दंतेवाड़ा में अभी तक इलेक्शन जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी पीसफुल, सामान्य चल रहा है। ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं आई है जो इलेक्शन प्रोसेस को डिरेल कर सके। नेवरदलेस जो हमारी फोर्सेज है वो भी तैनात है बाहर से, जो हमें 69 कंपनी CAPF की डिप्लॉयड है। इसके अतिरिक्त स्पेशल फोर्स में DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, यंग प्लाटून की फोर्सेज भी स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय की गई है 2 दिन पूर्व ही इलेक्शन के, ताकि इलेक्शन जो प्रोसेस है वो सेफली सिक्योरली किया जा सके। क्या तैनाती और क्या तैयारी थी? पिछले बार ज़्यादा संवेदनशील बूथ थे जिसको आप बता रहे थे कि इस बार कम हुए हैं। हाँ, पिछले बार की तुलना में 2 चीज़ हुआ है। पहला चीज़ जो सामान्य थे वो 34 लगभग बूथ थे, जिन जो बढ़कर अब 51 हो गए। इसका मतलब कि जो संवेदनशील अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जो बूथ हैं वो कम हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग टोटल 21 ऐसे मतदान केंद्र थे जो अपनी जगह न होकर शिफ्ट हुए थे, इसमें लगभग 67% की कमी आई है। इस बार 21 ना होकर सिर्फ 7 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर शिफ्टिंग की गई है, बाकी सभी में वहीं के वहीं पोलिंग कराया जा रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि कई बार हमने देखा है कि जब पोलिंग पार्टी वापस लौटती है तो नक्सली किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की तैयारी पुख्ता है कि ऐसा कुछ ना हो, कम से कम दंतेवाड़ा जो अति संवेदनशील जिला है? जी, हमारी प्लानिंग शुरुआत से ही, इनफैक्ट हम लोग 1 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ की, तो प्लानिंग हमारी पूरी पुख्ता है कि इंडक्शन हो या डी इंडक्शन जब वापस आए तो वो भी पूरा सेफली हो, ताकि जो मतदान दल है और साथ में जो हमारी फोर्सेज है वो सेफली विदाउट एनी कैजुअल्टी हम लोग यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस करा सके। दैट इज़ व्हाट माय ऑब्जेक्टिव।